हेलो एवरीवन, आई एम ब्रह्मी कपासी एंड वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम नॉलेज गेन करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या आपको पता है यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डॉलर 26.6 ट्रिलियन, और इंडिया अकाउंट करता है 2.97% ऑफ वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड स्टैंड एट डॉलर 3.22 ट्रिलियन, विच इज ग्रेटर देन सम बिग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड मेनी मोर कंट्रीज। स्टॉक मार्केट में अगर कोई नया बंदा है तो उनको ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या मुझे टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेम है, या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपको ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। सेविंग और इन्वेस्टिंग सबको करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सेविंग और इन्वेस्टिंग हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है और फाइनेंशियली सिक्योर्ड रखता है। इन्वेस्टिंग हेल्प्स अस टू क्रिएट अवर वेल्थ एंड इट कीप्स अस अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, और इसका मेजर रीज़न पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 ईयर्स के और 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करें फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% CAGR, तो आपके पास एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी दैट इज 38 ईयर्स के रहोगे, तब आपके हाथ में 78 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट। ये था ओवरव्यू स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब जानते हैं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है शेयर्स की। एज पर सेबिस डेटा, देर आर 9 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा एक्टिव और परमानेंट है, जैसे कि NSE और BSE। अब जब हम शॉप में जाते हैं कुछ चीज़ लेने या बिस्किट या कुछ लेने, तो हम पैसा देते हैं और बिस्किट या सामान खरीदते हैं, या अगर आप सेलर हो तो आप पैसे लोगे और बिस्किट या सामान बेचोगे। सेम वे में स्टॉक मार्केट वर्क करता है, यहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। आपके पास XYZ कंपनी के 10,000 शेयर्स है, इसका मतलब आपके पास 10,000 वोटिंग राइट्स है। कंपनी मिलियंस एंड बिलियंस में शेयर्स इशू करती है, इसका मतलब है कि जितना क्वांटिटी आपके पास रहेगा उतने क्वांटिटी के आपको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। पहले कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी, बट अब सब डिजिटलाइज हो गया है, तो अगर आप शेयर्स बाय करते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं। कोई भी पब्लिक कंपनी, याद रखना, कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। अगर कोई कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना हो तो पहले उसको प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। अब आप सोचते रहोगे कि शेयर्स का मतलब क्या है। शेयर्स का मतलब है कि कंपनी को जब पैसे की नीड रहती है फॉर वेरियस रीजन सच एज मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग या डेट्स चुकाने के लिए, तब वो पब्लिक से पैसे उठाती है और इन रिटर्न उनको ओनरशिप देती है। ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी में जाके बैठ सकते हो। ओनरशिप का मतलब है कि आपको जब कंपनी बड़े बड़े डिसीजंस लेगी तब आपको वो वोटिंग राइट्स देगी, तब आपका ओपिनियन मांगेगी और आप वोट कर सकते हो। शेयर्स इज अ स्मॉल पीसीज ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस हैव 6.4 बिलियन शेयर्स बींग ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। वैसे 6,500 कंपनीज लिस्टेड है NSE पे, तो आप सोच लो डेली बेसिस पे 1.6 बिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं NSE पे। शेयर मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करे, जिसको हम IPO बोलते हैं या FPO बोलते हैं। IPO क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये डिटेल में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, इसलिए वेल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है और बाइंग सेलिंग कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में हो रही है, यहाँ पे ब्रोकर्स इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि ऑलरेडी लिस्टेड जो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उस पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ब्रोकर के थ्रू, मतलब ब्रोकर और इन्वेस्टर्स के बीच में बाइंग सेलिंग हो रही है, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। हम सेकेंडरी मार्केट में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट रन में कुछ प्रॉफिट्स बुक करने रहते हैं या फिर लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करना रहता है। हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं
प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि हम कंपनी से बाइंग कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि हम बाई कर रहे हैं ब्रोकर से, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, और सेल कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, या फिर बाई कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से और सेल कर रहे हैं ब्रोकर्स को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो, एंड नॉलेजेबल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप CA इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो ट्रैक करना चाहते हो और मैनेज करना चाहते हो, तो वेल्दी पार्टनर ऐप डाउनलोड ज़रूर करो और वेल्दी बनो। Thank you. Link is in description.